बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठिन और सख्त ट्रेनिंग किसी और पक्षी की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को पंजों में दबोचकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितनी ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहां से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहां बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब वह धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि ये उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उन्हें दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए, उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व परिवार के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर अपने बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। माता पिता अपने बच्चों को कोमल नहीं कठोर बनाए, शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या अवश्य दे, यही आपका प्रथम कर्तव्य है। उन्हें एसी की हवा में तभी बैठने दे जब वह गर्मी में रहना सीख जाए। गाड़ी की चाबी तभी दे जब वह कई किलोमीटर पैदल चलने से हिचकिचाते न हो।